मोहम्मद को एक मैसेज जो चल गया है कि कल मैं आवाज पे गई थी, अपनी आवाज पे गई थी, खिजुरिया आवाज, और वहाँ से जो बातें निकल करके आई, जैसे नॉमिनेशन मुझे आज करना था तो बाबा से भी मिले, अपनी सासू माँ से भी मिले और बसंत सोरेन जी से भी मिले, घर में थे तो हम उनका जो बाहर बात निकली, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई जानकारी मिली कि हम जो है कि फिर से वापसी करने जा रहे हैं, इस तरह की हमारे बातें हुई। इस तरह की कोई बात नहीं है, हम ये पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं। बातें कुछ और भी हुई जो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। उन्होंने जो हमको भारतीय जनता पार्टी में, जेएमएम पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में हम प्रवेश किए और इस विशाल परिवार में जो हमको सम्मान मिला, इसको देखते हुए उन्होंने मेरी तारीफ भी की, कहा कि अच्छा हुआ आप भारतीय जनता पार्टी में गए, क्योंकि उनका भी उनका भी जो मन है जेएमएम की पार्टी से उठ चुका, क्योंकि पूरे प्रकरण में आप लोग देखे ही होंगे और उन्होंने भी जानकारी दी कि जिस तरह के इंडिया गठबंधन टीम में जो रांची में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें वो उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि कल्पना सोरेन के द्वारा जो उनके ऊपर भी एक बोलिए तो वो पूरे तरह से पार्टी को कब्जा कर चुकी, उन्होंने कहा पूरे तरह से पार्टी को कब्जा कर चुके, बेटा होने के नाते वो हक भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहें कि आप गए अच्छा हुआ, तो मेरे लिए भी एक ऐसा जगह बनाए कि हम भी सम्मान पूर्वक इस पार्टी में जाए। तो यही सब हमारी बातें हुई, तो हमने आश्वासन दिया ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपको आपको पार्टी कल्पना सोरेन ने ऐसे शख्स से जिसके कारण पार्टी से दरकिनारे गए, और अभी मेरे लिए भी वही एक ये बन रही है कि हम भी जो कि एक ही मंच में वो लोग रह नहीं पा रहे, वो एक कल्पना सोरेन की वजह से वो अकेले ही पार्टी को कब्जा कर चुकी है और आने वाले दिनों में बसंत सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे। तो निशिकांत जी जो यहाँ एक भविष्यवाणी करके गए थे, चुनाव के बाद बसंत जी आ रहे हैं भाजपा में, क्या लगता है आपको? अब बाकी जो भी चीजें हैं वो जो सच्चाई देखने को मिल रही है, स्टेज में ये लोग दोनों साथ साथ क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि बसंत जी मंत्री है, झारखंड सरकार में मंत्री है, और कल्पना सोरेन क्या है पार्टी में? अभी तक तो कल्पना सोरेन पार्टी में क्या है तो पार्टी को बताना चाहिए, पार्टी को बताना चाहिए आखिर भाई इस झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में वो किस पोस्ट पर है। उनको तो सीएम से भी बढ़कर प्रोजेक्ट किया जाता है, यहाँ सीएम सीएम सिर्फ नाम के सीएम ही रह गए, उनको उनको जो सीएम का जो गरिमा होता है उसको भी आप लोग स्टेज पर देखे ही है, किस तरह राहुल गांधी जी उनको एक हाथ लगाते हुए दरकिनार करते हैं, उनके पीछे से निकलते हैं। नहीं, ये क्या सीएम का मतलब क्या है, प्रोटोकॉल क्या बना करके रख दिए? तो ये पूछना चाहिए आप लोगों को भी, आखिर सीएम है कहाँ भाई, कौन है सीएम? जो सीएम के जो हकदार है, जो उनको प्रोटोकॉल के नाते जो उनका सम्मान होना चाहिए, तो वो भी सम्मान उनको नहीं मिल पा रहा है। क्या चल रहा है, ये सारे जो प्रकरण है इंडिया गठबंधन की टीम क्या दिखाने चाह रहे हैं? लगता है कि घर में जो आपसे बात हुई यही वजह है कि जो कल्पना सोरेन अपने पार्टी को, तो यही वजह है कि आपके संसद में सही रहे कल्पना सोरेन जो है अपनी टीम को लीड कर रही है, पार्टी को लीड कर रही है, और यही वजह है कि बसंत सोरेन को लग रहा है कि आने वाले समय में कल्पना सोरेन की नहीं। अभी बसंत सोरेन को तो यही लग रहा है, क्योंकि उनके
अब पद इतने ऊंचे पद पद में अभी झारखंड सरकार में मंत्री भी है, ये कल्पना सोरेन क्या है जो उनसे भी ज्यादा वो पार्टी में लीडिंग कर रहे हैं। और ये पार्टी तो पार्टी किसने बना, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का देन है ये पार्टी। तो जो वहां मेरी जगह नहीं रही तो बसंत सोरेन जी कहाँ रह पा रहे। तो बसंत सोरेन जी ने जो आपसे निवेदन किया या जो भी बातें हुई, क्या उस बसंत सोरेन जी की इच्छा से आपने अपने पार्टी आला कमान को अवगत कराया, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी आदि ही थे? देखिए वो तो अवगत कराएंगे कुछ, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी का भी कई प्रोग्राम था। देखिए आप इस स्टेज में उनको अपना भाषण दे करके वो निकल गए, दूसरे दो दो जगह उनको जाना था, तो हम लोग स्थिर से अभी बैठ नहीं पाए। बैठेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय। मैडम कल जो आवास गई थी तो क्या वहाँ गुरुजी थे आवास में? वहाँ आवास में गुरुजी नहीं थे, गुरुजी रांची में थे। जब मैं रात को निकली तो वहाँ मिलके निकली बाबा से और माता जी से। हाँ रांची, हाँ नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो उनसे आशीर्वाद लेके निकले। यहाँ खिजुरिया में तो नहीं थे ना कल? नहीं यहाँ नहीं थे, खाली यहाँ बसंत जी थे। मैडम क्या बसंत सोरेन जो है कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री बनने वाली है उसका विरोध करें? अब देखिए वो तो बहुत दुविधा में है, आखिर करे तो क्या करें, वो दुविधा से ही गुजर रहे हैं, जिसके कारण आपने हमको उसने अपनी जो पीड़ा है वो कल सुना है और हमने इस पर विचार भी करने के लिए उनसे वादा किया है। ठीक है, हम लोग इस पर विचार करेंगे। देखिए इस पार्टी में तो हमेशा ही अद्भुत चीज हो रही है, अद्भुत चीज हो रही है। मान लीजिए मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो कौन सा बड़ा काम कर लेते हैं, और ये भी मुख्यमंत्री को जब वो जीत जाएंगे तो कौन सा ये बड़ा काम कर लेगी 3 महीना में 2 महीना में। और क्या कारण है जो उनको अब एक चीज समझ में आया, हेमंत जी के ऊपर केस ईडी का इस तरह का प्रकरण चला जो कि उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा, तब तो किसी को प्रोजेक्ट करना ही था। लेकिन अब चंपाई सोरेन की जहाँ बात आती है वैसा तो कोई बात नहीं है कि उनको सीट छोड़ने की नौबत आएगी। इसके पीछे क्या मंशा है, पार्टी की क्या मंशा है, नहीं तो कल्पना सोरेन की क्या मंशा है, व्यक्तिगत क्या मंशा है जो कि एक सीएम को, सिटिंग सीएम को अपने व्यक्तिगत इच्छा के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए उनको हटा देना चाहते हैं, इसके लिए चुनाव लड़ रही है। कौन सा बड़ा काम करने वाली है 3 महीना में, आप लोगों को पूछना चाहिए। कहा जा सकता है सोरेन परिवार के अंदर जो पार्टी में वर्चस्व को लेकर लड़ाई शुरू हुई है? देखिए वर्चस्व वाली बात नहीं है, हक की बात है। कौन हकदार है पार्टी से? पहले बाबा हकदार थे तो वो थे, फिर हेमंत जी का तो कोई हक ही नहीं बनता। सबसे पहले तो दुर्गा सोरेन जी ने और हमने सब कुछ किया तो उसका हक तो मेरा बनता था, तो मेरा तो हक उसी समय से छीना गया। अब तो पूरे तरह से कहीं मेरे लिए खड़े होने के लिए जगह ही नहीं रह गई थी। इन लोगों को सत्ता चाहिए, सत्ता सत्ता का जो सुख है वो चाहिए, सत्ता की लड़ाई है और कोई बात नहीं। हक की लड़ाई बोले तो फिर तो हक तो मेरा ही आता था। ये लगता है कि पार्टी अब झारखंडियों